हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कहीं पे भी बैठकर किसी का भी मोबाइल चेक कर सकते हो। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि आप इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। ये फीचर्स इसके लिए दिया गया है कि आप, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कंप्यूटर वगैरह में, जैसे आजकल बहुत सारे लोग घर पे बैठ के वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी टीम लीडर्स वगैरह होता है वो टीम व्यूवर्स के ज़रिए से क्या करता है कि अपने जो वर्कर्स है उसका काम चेक करता है, अपने जो इम्प्लॉयज़ है उसका काम चेक कर सकता है घर बैठे बैठे। बस मोबाइल में भी यही सिस्टम है कि आप अपने घर बैठे बैठे किसी का भी मोबाइल चेक कर सकते हो। और वो कैसे करोगे? बड़ी आसानी से, एक ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड करना है जिसके ज़रिए से आप कहीं पर भी हो आप किसी भी दूसरे का फ़ोन बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि सामने वाला भी उसे अलाव करना चाहिए, इसीलिए ये जेन्यून है, इसीलिए ये प्ले स्टोर पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब वो ऐप का नाम क्या है और उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आपको देखिए दो मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे मोबाइल में मैं किस तरीके से चलाऊंगा और पहले मोबाइल में मैं किस तरीके से ऐप को डाउनलोड करूंगा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों के फ़ोन में वो ऐप को डाउनलोड करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। किसी एक के फ़ोन में भी अगर डाउनलोड होगा तो वो उसके लिंक के ज़रिए से क्या करेगा कि चेक कर लेगा कि उसके फोन एक्चुअल में बराबर चल रहा है कि नहीं। समझ लो एक टीम वीवर का वर्क कर रहा है, जैसे कि मोबाइल कंप्यूटर में किस तरीके से टीम वीवर वर्क करता है उसी तरीके से मोबाइल में यह ऐप वर्क करती है। अब मैं उस ऐप का नाम बताऊंगा। दोस्तों यहां पे आपको सिंपल सा क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर चला जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है एड्रॉइड करके, ठीक है। यहां पर देखिए रिमोट एक्सेस एंड फाइल, यहां पर मैंने पहले से डाउनलोड करके रख लिया, इंस्टॉल भी कर लिया है। सिंपल सा क्या करना है आपको, यहां पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जो भी इसका इंटरफेस है इस तरीके से आपको दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा टाइम लेगा, जब तक कि आप क्या कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको साइन इन करना है, साइनअप करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आपको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्किप का जो ऑप्शन है यहाँ पर स्किप करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है, अब मुझे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अलाउ का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्या करना है, अलाउ कर देना है। और जैसे ही अलाउ करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको देखिए तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, एंड्रॉयड वेब, माय कंप्यूटर एंड आप कोई भी डिवाइस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर एंड्रॉयड वेब के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन के विजिट http://web.android.com, ठीक है, या तो फिर सेकेंड ऑप्शन आपको जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, वो आईपी एड्रेस को आपको क्या करना है, ये वाला जो दूसरा फ़ोन मेरा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी है कि दूसरा फ़ोन है, ये पहला फ़ोन है, इसका जो आईपी एड्रेस है ये वो इस वाले फ़ोन में डाल देना है। और वो कैसे डालना है आपको, सिंपल सा आपका जो गूगल क्रोम है, यहाँ पर देखिए मैंने इस फ़ोन में गूगल क्रोम जो है वो ओपन कर लिया है, और वहाँ यहाँ पर जो वेब का जो एड्रेस है इसकी जगह पर आपको क्या करना है, ये वाला एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर देखिए मैं डाल दूंगा 192.162.225.76, फिर उसके बाद फोर टाइम एट्स को यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। दोस्तों जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं दूसरे फ़ोन में, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इसका जो आईपी एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और सिंपल सा मैं क्या करूँगा, इसे सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मेरे फ़ोन में जो भी चीज़ है, जो भी फ़ोटोज़ है, जो भी कॉल लॉक्स है, वो सारे के सारे वो इसमें क्या करेंगे, शो करने लग जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे जो आईपी एड्रेस डाला है तो यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट आ गई है, और यहाँ पे देखिए सेकंड्स भी चालू हो गए। अगर मैं रिजेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे ओपन नहीं होगा, अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो यहाँ पे मेरा जो फ़ोन का डिवाइस का जितना भी है वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। तो सेकेंड जल्दी जा रहे थे, मैं तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और देखिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो देखिए मेरा जो फ़ोन है, मेरे फ़ोन में जितने भी फ़ोटोज़ है, जितने भी म्यूज़िक है, जितने भी कॉल लॉक्स है, वो सारे के सारे देखिए दूसरे फ़ोन के अंदर आ गए। यहाँ पे देखिए मैं आपको फोटोज भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो फोटोज मेरे फोन के अंदर है वो सारे फोटोज देखिए मेरे ये दूसरे वाले फोन में आ गए। यानी कि आप कहीं पे भी बैठ के खाली उनसे आईपी एड्रेस मंगवा के आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके फोन में एक्चुअल में खराबी क्या है। आप अगर इसमें फोन में कोई काम कर रहे हो तो यहाँ पे वीडियोस आप दिखा दे सकते हो, यानी कि बिना शेयर करे भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस के बटन के ऊपर आप जैसे क्लिक कर लेते
लेते हो तो ये पूरे हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोटोज़ भी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस का जो बटन है इसको हटा देना है। और जैसे ही आप हटा देते हो यहाँ पे देखिए ये पूरी तरीके से हट जाएगा। यहाँ पे फाइल मैनेजर, यानी कि ये फ़ोन के अंदर जो जो चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको ये दूसरे फ़ोन के अंदर दिखाई दे देगी साफ। आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हो, यहाँ की जो भी चीज़ें यहाँ पे, यानी फ़ोन नंबर एक की जो भी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बड़ी आसानी से दिखाई देगी जो वीडियो से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कॉल लॉक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या बोल रहा है, परमिशन मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिए परमिशन अगर मैं दे दूंगा, यहाँ से अलाउ कर दूंगा, तो यहाँ पे ये फ़ोन के अंदर, दूसरे फ़ोन के अंदर वो जितने भी मेरे कॉल लॉक से वो सारे के सारे दिखाई देंगे, यानी कि आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल, फ़ोन नंबर सारे के सारे इस फ़ोन के अंदर दिखाई देंगे। यानी कि इससे पहले वो अलाउ करने के लिए मांगेगा, ठीक है। अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो ये यहाँ पे हट जाएगा और बिल्कुल भी आपको शो नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप कहीं पे भी बैठ के किसी के भी फ़ोन को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। दोस्तों ये एक जेन्युइन तरीका है, ये एक टीम वीवर का वर्क कर रहा है, इसका गलत इस्तेमाल आप बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। लेकिन ये भी चीज़ है कि जब तक ये वाला बंदा अगर अलाउ नहीं करेगा तो सामने वाला बंदा भी कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, एक टीम वीवर भी आपको मोबाइल का मिल गया और ये खुफिया ऐप है जो बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में वीडियोज़ बनाए हैं। दोस्तों अब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि मेरे व्यूवर्स को भी इसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।